इस वीडियो में मैं बताऊंगा लॉज ऑफ ड्राई कॉरोजन। बहुत ही इजी तरीके से तीन लॉ है, पैराबोलिक लॉ, लीनियर लॉ और लॉगरिथमिक लॉ। इन तीनों को मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा और जितना शॉर्ट हो सके ताकि आप आराम से अपने सेमेस्टर में लिख सको और पास कर सको। ठीक है, जितना शॉर्ट मैं कर सकता हूँ मैंने करने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पैराबोलिक लॉ। इसमें क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कॉरोडेड फिल्म ऑक्साइड लेयर जो होता है वो रेट होता है dx by dt is inversely proportional to x। मतलब ये जो लेयर है, जो लेयर का जो फॉर्मेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज़्यादा वो लेयर फॉर्म करता जाएगा उस लेयर का जो थिकनेस है उस पर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है ये पैराबोलिक लॉ में। तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा सॉल्व टू गिव एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2k1t। ठीक है, इधर x को हम भेज देंगे, dt इधर भेज देंगे और ये प्रोपोर्शनलिटी है तो इसे कुछ इक्वल्स टू जब हम लोग लिखें तो कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये इक्वेशन आ जाएगा। तो जरूरी नहीं आप उतना कॉम्प्लिकेट मत करो, आप ये दोनों याद रखना कि जो डी एक्स बाई डी टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, एक्स है, या फिर डी एक्स बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू 1/x। ठीक है, और इसे सॉल्व टू गिव एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2k1t। जो k1 है यहाँ पे वो है डिफ्यूजन कोफिशियंट। ठीक है, इसका हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहें इसका तो आएगा एक्स और टी के बीच में, ये मतलब टाइम के साथ लेयर अगर इंक्रीज कर रहा है तो इस तरीके से वो रिलेशन रखेगा, एक्स जो है थिकनेस है और टी है टाइम, है ना। तो इस तरीके से वो ग्राफ बनेगा। एग्जांपल इसके अंदर है, एग्जांपल ऑफ मेटल जो इस लॉ को फॉलो करते हैं पैराबोलिक लॉ को, वो है आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, निकेल, है ना, कॉपर एंड अल्काली अर्थ मेटल्स। तो ये हो गया पैराबोलिक लॉ। उसके बाद है हमारे पास लीनियर लॉ। लीनियर लॉ बहुत ही आसान है। व्हेन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑक्साइड लेयर इज कांस्टेंट, मतलब ऑक्साइड लेयर जो है उसका जो रेट होगा, जो उस लेयर का फॉर्मेशन वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब dx by dt इज इक्वल्स टू k2। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू k2t। ठीक है, वेरी थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड इसमें फॉर्म करता है। ठीक है, हमें याद रखना इसमें बहुत ही थिन पतला रहेगा और मेंटेन कांस्टेंट थिकनेस, ऑलमोस्ट ये हमेशा जो थिकनेस है इसका ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है अल्काली मेटल्स। ठीक है, तो ये इस पॉइंट्स में आपको याद रह जाएगा, बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स मैंने कन्वर्ट करने की कोशिश की है इसको भी। उसके बाद जो हमारे पास लॉ है वो है लॉगरिथमिक लॉ। इसमें भी मैंने बहुत शॉर्ट किया है, वो है ये लॉगरिथमिक लॉ में है जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर है, मैंने जो पहले लिखा है जो ऊपर में सब में ये सब उसी चीज़ को लिखना आपको, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर इज वो इस तरीके से फॉलो करता है, एक्स इक्वल्स टू k3 log at प्लस 1। ठीक है, उसके बाद वो k3 एंड ar कॉन्स्टेंट्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ मेटल, कि कौन सा मेटल है उस पर डिपेंड करता है और उस मेटल का टेम्परेचर क्या है। एग्जाम्पल जो है इस लॉ को फॉलो करते हैं वो है अल्मोनियम, क्रोमियम, जिंक और बेरिलियम।